स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीडियो नीट 2020 के लिए 10 क्वेश्चंस बायोडायवर्सिटी यूनिट से। इसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगी और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म बायोडायवर्सिटी इज़ पॉपुलराइज्ड बाय। इसमें चार ऑप्शन है, ओडम, पॉल एलरिच, एडवर्ड विल्सन एंड टिलमैन। मैं आपको कुछ सेकेंड दूंगी अपना आंसर लिखने के लिए। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, एडवर्ड विल्सन। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज विद डिफरेंट फ्लेवर्स, कलर्स, शुगर कंटेंट। द लार्ज वेरिएशन इज़ ऑन द अकाउंट ऑफ। मतलब कि इंडिया में आपको बहुत सारे तरह के मैंगो मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग कलर के और अलग अलग शुगर कंटेंट के, मतलब कोई ज़्यादा मीठा, कोई कम मीठा। तो ये जो वेरिएशन है इतनी ज़्यादा, वो किस वजह से है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको कुछ सेकंड दूंगी ऑप्शन चूज़ करने के लिए। और जो इसमें ऑप्शंस हैं वो है स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट इज़ ऑप्शन सी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। स्पीसीज डाइवर्सिटी डैश एज वन मूव्स फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड्स। स्पीसीज डाइवर्सिटी डैश मतलब क्या होता है, जब कोई हाई से लो एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ता है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड देन फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। आपको कुछ सेकंड दे रही हूँ ताकि आप अपना आंसर लिखें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। इंडिया इज़ वन ऑफ द 17th मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू डैश बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। मतलब कि जो इंडिया है वो 7 मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, उसमें से एक है। लेकिन इंडिया को हम कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करते हैं, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज़ 8, 10, 16 एंड 18। मैं आपको कुछ सेकेंड दे रही हूँ ताकि आप अपना आंसर लिखें। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज़, रिवर्ट पॉपर हाइपोथीसिस वॉज गिवन बाय। जो रिवर्ट पॉपर हाइपोथीसिस है वो किसने दी थी, दैट इज़ पॉल एलरिच, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, डेविड टिलमैन एंड रॉबर्ट मे। आपको बताना है कि ये जो हाइपोथीसिस है ये किसने दी थी। मैं आपको कुछ सेकेंड दे रही हूँ आंसर लिखने के लिए। So this was given by option A, Paul Ehrlich. Now we will move on to the sixth question. Sixth question is, Red Data Book deals with, जो Red Data Book है वो deal करती है किससे। इसमें चार option है, Organism on the verge of extinction, यानी कि वो organism जो extinct होने वाले हैं। B option is endemic species. C option is organism showing photoperiodism and D option is organism that are extinct. इसमें जो endemic species मतलब जो एक एरिया में मिलती है और किसी एरिया में नहीं मिलती, और कुछ organism जो photoperiodism दिखा रहे हैं वो, and D option जो extinct होने वाले, मतलब extinct हो चुके हैं। तो red data book किस चीज़ से deal करती है। So the correct answer is Organisms on the verge of extinction, that is option A. Okay, the seventh question is organization. इसमें organization की spelling गलत हो गई है, मैं आप ठीक कर लें। Organization responsible for maintaining red data book is, यानी कि वो organization जो red data book को maintain करती है वो कौन सी organization है। इसमें चार option है, first is IUCN, B is WWF, C is CITES and D is IBWL. So आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है रेड डाटा बुक को मेंटेन करने के लिए। कुछ सेकंड दूंगी मैं आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज IUCN. लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन। सो एट्थ क्वेश्चन इज, बाली, जवान एंड कैस्पियन आर। ऑप्शन ए है स्पीसीज ऑफ टाइगर, स्पीसीज ऑफ चीता, सब स्पीसीज ऑफ चीता एंड सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। आपको बताना है कि ये जितनी भी स्पीसीज हैं ये किसकी
मतलब स्पीसीज है या कौन सा ऑप्शन है इसमें? मैं आपको कुछ सेकंड दूंगी आंसर लिखने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, दैट इज ऑप्शन डी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन. अ क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल इज, मतलब कि बहुत ही एकदम वर्ज पे जो है एंडेंजर्ड, जो एक्सटिंक्ट हो सकता है, वो कौन सा एनिमल है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पैसेंजर पिजन, डोडो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड जेबू. सो यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर. मैं आपको कुछ सेकेंड दूंगी अपना आंसर लिखने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, दैट इज 10th क्वेश्चन. द टर्म एविल क्वार्टेट इज रिलेटेड विद द 4 मेजर कॉजेज ऑफ. अब उसने ये बोला कि जो एविल क्वार्टेट टर्म है, जो आपने पढ़ा भी है अपनी 12th बायोलॉजी में, कि जो किससे रिलेटेड है ये जो एविल क्वार्टेट है. द फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट लॉस, सेकेंड इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, थर्ड इज़ एयर पोल्यूशन एंड फोर्थ इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो आपको ये बताना है कि किससे रिलेटेड है ये एविल क्वार्टेट. मैं आपको कुछ सेकेंड दूंगी अपना आंसर लिखने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस. सो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स में लिखें, जितने भी स्कोर्स आपके आए हैं, और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए. अगर आपके स्कोर बहुत कम है तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि अगली बार बढ़े. आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा कुछ टाइम बाद, रिवीजन करने के बाद. और अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए या आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.